नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। धर्म नगरी होने की वजह से मथुरा जिले पर सभी की नजर रहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल बनी हुई है और सभी प्रमुख दल चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ब्रज क्षेत्र में पड़ने वाली मथुरा बेहद खास संसदीय सीट है, जहां बीजेपी ने हेमा मालिनी को चुनावी रण में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने मथुरा सीट पर मुकेश धनगर को टिकट दिया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है और हेमा मालिनी की नजर लगातार जीत की हैट्रिक लगाने पर है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा यमुना किनारे बसे मथुरा संसदीय क्षेत्र की पहचान भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से है। बात करें यहां पर राजनीति की, तो इस सीट से कांग्रेस, भाजपा और रालोद चुनाव जीतती रही है। बाहरी प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचते रहे हैं। आइए जानते हैं मथुरा लोकसभा सीट पर इससे पहले चुनावों में क्या हाल था। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली है, तब से चुनाव लड़ने या सरकार में रहने के लिए 75 साल की अलिखित कट ऑफ उम्र तय हो गई है। उम्र सीमा भाजपा के टिकट पर आधार बनी तो मथुरा से कोई नया चेहरा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक मथुरा लोकसभा सीट है। आजादी के बाद पहला चुनाव साल 1952 में हुआ और इस सीट पर भी पहली बार चुनाव 1952 में ही हुआ। पहले और दूसरे चुनावों में सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 1962 से 1977 तक लगातार तीन बार कांग्रेस का कब्जा रहा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस हारी और भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की। साल 1980 में ये सीट जनता दल के खाते में गई, जबकि 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की, लेकिन कांग्रेस को अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साल 1991 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पहली जीत मिली। 1996, 1998, 1999 भी भारतीय जनता पार्टी का ही सीट पर कब्जा रहा। हालांकि 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने यहां वापसी की। साल 2009 में भाजपा के साथ लड़ी रालोद की जयंत चौधरी को मिली, लेकिन 2014 में मोदी लहर में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जीत दर्ज की। अब हम बात करते हैं सीट के जातीय समीकरण की, तो आंकड़ों के मुताबिक मथुरा में 18 लाख से ज्यादा मतदाता है। सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं की संख्या है, जाट मतदाता करीब 3.5 लाख है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3 लाख है, जाटव मतदाता करीब 1.5 लाख है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 1.5 लाख के बराबर है। वैश्य मतदाता की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर करीब 1 लाख है। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। अन्य जातियों के करीब 1 लाख वोटर हैं। मथुरा लोकसभा सीट पर हुए 1952 और 1957 में चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी और इस बार हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस खड़ी है। जहां हेमा मालिनी है वो हैट्रिक की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो देखना बेहद अहम होने वाला है कि क्या ड्रीम गर्ल एक बार फिर से चुनाव जीत पाएंगी या फिर कांग्रेस अपने पंजे से उन्हें लपेट देगी। हर कोई अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, बाकी परिणाम 4 जून को आएगा, तभी पता चलेगा कि किसकी शह हुई और किस सीमा। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।